तो आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिफला से कायाकल्प कैसे करें। त्रिफला, जिसके बारे में आपको पता होगा कि हरड, बहेड़ा और आंवला, इन तीनों का समान मिक्सचर, चूर्ण के रूप में समान भाग। वैसे तो एक हरड, दो बहेड़ा और तीन आंवला होती है, और जितना तीन आंवला से चूर्ण निकलता है उतना एक हरड से निकलता है। तो अगर चूर्ण की बात करें तो समान मात्रा में चूर्ण, लेकिन अगर फल की बात करें तो 1:2:3। तो आज हम बात करने वाले हैं कि त्रिफला से कायाकल्प कैसे करें, यानी कि जो बेजान हुआ शरीर था, जो शरीर का सिस्टम खराब हो गया है, उसको एकदम रडार पे कैसे लाएं। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि यह जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ यह बहुत लंबी है, यानी कि 12 वर्ष की। हालांकि फायदे तो आपको एक साल में ही मिल जाएंगे, लेकिन यह जो कायाकल्प की प्रोसेस है, यानी कि पहले जो आपने गलत काम किए थे उनको ठीक कर अपने शरीर को दोबारा से नया कैसे बनाएं, और नया बनाने के साथ साथ आपको कुछ दिव्य चीजें प्राप्त होंगी, जैसे कि आपके सफेद हुए बाल दोबारा से काले हो जाएंगे, व्यक्ति 100 साल तक जिएगा, आंखों से जुड़े हर रोग खत्म हो जाएंगे, आंखें इतनी तेज हो जाएंगी कि बारीक से बारीक चीज भी आपको एकदम साफ साफ दिखलाई देगी, आपकी आवाज बहुत आकर्षक हो जाएगी, और दोस्तों आपके अंदर इतनी शक्तियां आ जाएंगी कि आप जो भी कहेंगे वह सत्य हो जाएगा। तो इसके लिए आपको लाना है त्रिफला चूर्ण, और त्रिफला चूर्ण आपको उतनी मात्रा में बनाना है जितने में वह 4 महीने चल जाए। इसका सेवन आपको कब करना है? इसका सेवन आपको करना है रोज खाली पेट। कितनी मात्रा में करना है? आपको करना है अपनी उम्र के अनुसार, यानी कि मान ले कि अगर आप हैं 20 वर्ष के, तो 20 साल वाले व्यक्ति को करना चाहिए 20 रत्ती का सेवन। एक रत्ती होती है 125 mg, तो 125 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 2.5 ग्राम, यानी कि 20 साल के व्यक्ति को करना चाहिए 2.5 ग्राम की मात्रा में त्रिफला चूर्ण का सेवन। किस चीज के साथ करना है? आपको करना है पानी के साथ, लेकिन इसी चीज को आपको मौसमों के अनुसार, जैसे कि सीधे डेट की बात करें तो शुरुआत करते हैं 14 मई से 13 जुलाई तक आपको करना है गुड़ के साथ, यानी कि उसमें हल्का सा गुड़ मिला ले। 14 जुलाई से 13 सितंबर तक आपको करना है सेंधा नमक के साथ। 14 सितंबर से 13 नवंबर तक आपको करना है देशी खांड या बताशे के साथ। और इसी तरह से अलग अलग मौसम के अनुसार आप देखते जाना कि आपको किसके साथ इसका सेवन करना है। यहाँ पर मैं आपको मात्रा भी लगा दूंगा कि इतनी मात्रा में इसी चीज के साथ आपको इसका सेवन करना है। और दोस्तों, जब आप पानी पीते हैं तो पानी भी आपको पीना है 2 घूंट की मात्रा में, और पूरे 1 घंटे तक ना कुछ खाएं ना कुछ पिए। यह त्रिफला को कायाकल्प करने के लिए इसको लेने का सही तरीका। इस तरह से आपको इसका सेवन करना है तो आपके शरीर का कायाकल्प होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।